ये हम डोरमेट बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने 24 फिंदे डाले हैं। अब ये देखिएगा कैसे बनेगा। इधर से एक फिंदा मैं बढ़ाऊंगी, नहीं एक उतार लिया। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बनेंगे। ये देखिएगा इधर से मैं एक फिंदा इस तरह से बढ़ाऊंगी। इसी तरह से ये भी सिलाई हम पूरी इसी तरह से बनेंगे, उल्टा उल्टा। ये देखिएगा दो पीले की सिलाई और दो इसकी सिलाई। अभी फिर पीले की हम चार सिलाई निकालेंगे, दो इसकी निकालेंगे। ये देखिएगा इस तरह से, फिर दो का एक हम करेंगे यहाँ पे पीछे धागा करके। फिर अब देखिएगा दो फिंदों के बीच में मैं इस तरह से डिजाइन डाल रही हूँ। एक ले लिया, इधर से निकाल लिया, फिर इसको बुन लिया, फिर निकाला, फिर इसको बुना। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई करेंगे। फिर एक निकाला, फिर एक बुन लिया, फिर यहाँ से धागा फंसा के इस तरह से बुनते जाएंगे। ये देखिएगा पूरी सिलाई इसी तरह से जाएगी। ये देखिएगा उल्टी सिलाई में हम इस पर अंटा लगा के फिंदा उतार लेते हैं। एक अंटा ऊपर से लगा के एक फिंदा बढ़ जाता है। अब देखिएगा एक यहाँ पे उल्टा था, अब यहाँ हम दो का एक करेंगे इस तरह से। जो हमने फिंदे निकाले हैं चार बनाए हैं, दो के चार, आप दो का एक करके यहाँ पूरे पूरे फिंदे हो जाएंगे, दो के दो फिंदे हो जाएंगे। एक ये वाला फिंदा, एक ये चढ़ाया हुआ है अंदर से निकाला था जो, इस तरह से ये इसी तरह से हम पूरी लाइन ले जाएंगे। ये देखिएगा दो का एक सीधी सिलाई में और उल्टी सिलाई में एक इधर से बढ़ा लेते हैं। ये हम चार सिलाई इसी तरह से निकालेंगे। ये दूसरी सिलाई है पीले की। ये देखिएगा इसी तरह से एक फिंदा इधर से घटता जाएगा, एक इधर से बढ़ता जाएगा। और ये हम नीले की जो डिजाइन वाला है, जो नीला कलर, इसके हम पांच लाइनें निकालेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे। ये देखिएगा ये कली हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें छह कली बनानी है, पांच कली और बनाएंगे। एक कली बनके ये तैयार हो गई है। इसे मैं इस तरह से उतार देती हूँ। ये देखिएगा मैंने सारी जोड़ ली हैं, सिल ली हैं। अब मैं आखिरी वाली ये सिल के आपको बताऊँगी। ये इस तरह से हमने यहाँ से हम सिलना चालू करेंगे इस तरह से। ये देखिएगा अब मैं इसको भरूँगी, ये गोल गोल फिर बन जाएगा। इसमें सिर्फ एक साइड से हमें 18 फिंदे बनने हैं। ये देखिएगा इस तरह से, एक साइड से 18 फिंदे और दूसरी साइड से भी 18 फिंदे। ये देखिएगा मैंने 18-18 फिंदे भर लिए, 36 फिंदे हो गए मेरे पास। अब देखिए उल्टा उल्टा हम बनाएंगे, पूरी सिलाई है उल्टी उल्टी जाएगी। ये देखिएगा अब सीधी पे आ गए हैं, सीधी पे हम डिजाइन डालेंगे। एक पे फिंदे पे तीन बनाएंगे, फिर एक हम उतार लेंगे, फिर एक फिंदे पे हम तीन बनाएंगे, फिर उतारा, फिर एक बुना, इस पर अंटा लगाया, फिर बुन लिया, तीन हो गई, फिर एक उतार लिया। ये इसी तरह से हम पूरी लाइन बनाएंगे। ये देखिएगा उल्टे साइड से ये हमने आगे की तरफ धागा कर लिया है। ये तीन का एक कर देंगे इस तरह से। ये उतरा हुआ फिंदा फिर उतार लेंगे, फिर इसको तीन का एक कर देंगे, फिर उतार लेंगे, फिर तीन का एक। इसी तरह से हम पूरी लाइन ले जाएंगे। ये देखिएगा आप सीधी पे आ गए हैं, तो इसको हम सीधा सीधा पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बुन जाएंगे। फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसी तरह से हम चार लाइनें बना लेंगे और दूसरी ऊन लगाएंगे तो हम यही वाली डिजाइन डालेंगे। फिर से एक सादा सिलाई के बाद ये डिजाइन, एक सादा निकालते हैं, फिर एक उल्टी निकाल लेते हैं दूसरे धागे से, तो ये डिजाइन पड़ने लगती है। ये देखिएगा मैंने चार लाइनें बना ली हैं, दो हरे की दो रेड की।
ये देखिएगा आप क्या करना है, फूल बनाना है। इस पर हम 3 बार अंटर लगाएंगे हर फिंदे पे। ये देखें अंटे हमने सारे पे लगा लिए हैं। अब हम अंटे निकाल देंगे, इस तरह से खोल देंगे इनको। ये देखिएगा सारे अंटे हमने खोल दिए हैं। अब मैं सुई से इसको निकालूंगी। इसमें हमने धागा डाल लिया सुई में, ऊन। इसको उल्टा करके इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखिएगा इसमें अब हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे, कसके कसके गांठ लगाएंगे तो यहाँ फूल बनके ये तैयार हो गया। ये देखिएगा